हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती व्लॉग। और आज मैं आपसे जुड़ रही हूँ पंजाब से। जी हाँ, हम दोनों क्या हम पूरी फैमिली पंजाब पहुंच चुके हैं, बट अभी आपको बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अपनी मासी के घर गए हैं, पास में उनका प्लॉट है जहाँ पर उनका घर बन रहा है, तो वहाँ गए हैं। और मैं और पंकज जा रहे हैं अपना घर देखने। मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था जिसमें हम मुंबई में फ्लैट देखने गए थे जो बहुत ही छोटे छोटे माचिस जैसे थे, और वहां का तो बजट आपको पता ही है, करोड़ों तक है। उसमें भी अगर आपके मन पसंदीदा फ्लैट मिल जाए तो बड़ी बात है। तो हमने सोचा क्यों ना जहाँ के हम हैं नॉर्थ साइड के, पंजाब या हरियाणा के, वहां पर क्यों ना फ्लैट देखा जाए। तो हमारा यहाँ पर दिवाली पे आने के दो मोटिव थे, एक तो दिवाली पर फैमिली से मिलना था, और हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी फ्लैट चेक कर लेंगे। तो बच्चे अभी बिजी हैं और मैं और पंकज फ्री हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मोहाली साइड, जो लोग पंजाब के होंगे उन्हें पता ही होगा मोहाली के साइड न्यू में बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं, तो वहीं पे मैं और पंकज जा रहे हैं। SBP डेवलपर हम जाएंगे या और भी दो तीन सोसाइटीज देखेंगे, और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि अगर आपका प्लान है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो चलिए देखते हैं, व्लॉग में बने रहिएगा। अब हम जा रहे हैं फ्लैट देखने, ये डीलर है हमारे साथ, ये दिखाएंगे हमें फ्लैट। ये कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर 127 शिवालिक सिटी है मोहाली। अच्छा, शिवालिक के अंदर पाम सिटी है, ये है शिवालिक सिटी सेक्टर 127 पाम सिटी, जहाँ पर हम पहला फ्लैट देखने जा रहे हैं। ये रोड्स हैं यहाँ पर, सेकंडली सब फ्लैट्स हैं। अगर आप हाईवे पे या SBP जाते हो तो चलिए चलते हैं फ्लैट देखने। एंट्रेंस है भाई, एंट्रेंस से अंदर जैसे ही जाओगे तो यहाँ बाहर गैलरी है अच्छी बड़ी, और ये है ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर डिवाइडर भी लगा होता है, वैसे ये पूरा ड्राइंग रूम है, और जब ड्राइंग रूम से इस साइड ये एंट्री है, और यहाँ पे किचन है ओपन। उसके बाद ये दो बेडरूम है आमने सामने, फर्स्ट बेडरूम ये है विद बाथरूम और विंडो है, और ये पूरी की पूरी अलमारियाँ लगी हुई हैं, और ये इधर है बालकनी, दूसरे रूम से है बालकनी। एक बालकनी है सामने ड्राइंग रूम में, और ये दूसरा बेडरूम है, इसमें भी अलमारी वगैरह पूरा लगा हुआ है, और ये बाथरूम है इसका भी, और ये है बालकनी जो इधर रूम से आपको दिख रही थी ना ये, और बाहर ये सारा सोसाइटी ही है। यहाँ पर कोठियों के लिए अभी कटा हुआ, सारे कोठी बन जाएंगी, ये सारा बन जाएंगी, और इधर बना हुआ सारा 2BHK है ये। अब चलते हैं SBP होम्स। आप 7th फ्लोर वाला जो देखकर गए थे जी, उसमें सिंगल बालकनी थी। ये SBP सोसाइटी, यहाँ पर आप देखिए फ्लैट्स, ये है पार्क,
ये है क्लब हाउस। टू बी एच के है ये यहाँ पर आते हैं अंदर, ये सारा कबर्ड लगी हुई है, कबर्ड की तो कमी नहीं है यहाँ पर किसी भी फ्लैट में। और ये वॉशरूम है, आई थिंक गेस्ट वॉशरूम, स्पेशियस है ये भी। और ये है एक बेडरूम और साथ में बालकनीज। मुंबई वालों को बालकनी की बहुत बहुत कीमत होती है। एक ये बेडरूम है और ये बाहर मेन गेट, और ये है ड्राइंग रूम। एक्चुअली ये सैम्पल फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट भी नहीं है, किसी का रेंट आउट है, मतलब किसी का है तो वो दिखा रहे हैं हमें ये। और बाहर मेन बालकनी, ये ड्राइंग रूम बालकनी, और ये है किचन ओपन। इसका प्राइस है 37 लाख, नेगोशिएबल है। इसमें भी एक खिड़की है। ये है सेकेंड बेडरूम और ये भी बहुत स्पेशियस है विद वॉशरूम एंड कबर्ड। देखिए आप, पूरी की पूरी एक दीवार कबर्ड ही दी हुई है। और ये वॉशरूम स्पेशियस है, बड़े बड़े वॉशरूम हैं। यहाँ पर भी एक बालकनी है। एक्चुअली ये रेंट पर था तो इसीलिए ऐसा अभी गंदा सा हुआ है। और व्हाट इज़ दिस, चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, और ये है बालकनी, यहाँ से मतलब पूरी बड़ी बालकनी है। एक मिनट, ये है 2 BHK 37 लाख नेगोशिएबल SBP होम्स। क्या कह रहे हो? ये हम देखने जा रहे हैं फ्लोर है, ये सोसाइटी नहीं है, ऐसे ही फ्लोर में है। और देखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर सेल है बट नॉट फ्लोर, कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है, फ्लोर्स हैं ये ओनली, कोई सोसाइटी नहीं है। बट रोड्स तो हैं, लोग रह भी रहे हैं। ये भी एक रोड है साथ में। कौन सा, फर्स्ट फ्लोर पे है? हाँ, फर्स्ट है। ये 3 BHK है और 35 में ही है, बट ये फ्लोर एरिया है, अलग से कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है। गेटेड सोसाइटी है बट अलग से ही फ्लोर सिस्टम है इसमें। और ये पीछे बरामदा, जो नॉर्थ में घरों में बहुत होता है बरामदा, बरामदा। और एक गेट भी है, और साइड गेट भी आपको मिलता है, पीछे गली है। 35 में बहुत अच्छा है, अरे भाई में 3 BHK मिलना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं, ये घर आपको कैसे लगे? और बहुत बड़े हैं अगर आप, बहुत अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, और रेट भी बहुत अच्छा है। अगर आप पंजाब में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी डील है। ये है बाहर वाला एरिया, ये सारी पार्किंग है, तीन पार्किंग है क्योंकि तीन फ्लोर्स हैं इसमें, तीन पार्किंग है।
तो जो भी फ्लैट्स मैंने दिखाए आज आपको कैसे लगे, ये फ्लैट्स सब हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए देखे हैं। हम मुंबई में भी हमने फ्लैट्स देखे थे, बट मुझे तो वहाँ छोटे छोटे डिब्बे जैसे फ्लैट्स लगे थे। पंजाब में, हरियाणा में बहुत खुले फ्लैट्स हैं क्योंकि हम यहीं रहते थे, तो हमने सोचा कि ना इन्वेस्टमेंट की जाए तो यहीं की जाए, और हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करना चाहते थे। तो आपको ये फ्लैट्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।